नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के नौवें दिन की कथा, अध्याय नौ में ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के इस मंत्र का श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करना चाहिए। इस मंत्र का तुलसी की माला लेकर रोज 108 बार जप करने से यह मंत्र उत्तम संतान प्रदान करता है। कार्तिक महात्म्य में व्रती के लिए चार नियमों का पालन करना बहुत जरूरी बताया गया है। पहला है प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण और चौथा दीपदान। प्रातः स्नान करने के बाद श्री हरि का पूजन करें, उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन कीर्तन और जप करें और कहानी आदि कहें और सुनें। तत्पश्चात कार्तिक महात्म के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें या श्रवण करें। इस प्रकार अश्विन एकादशी से शुरू होकर कार्तिक एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म के अध्यायों का पठन करें। आप कार्तिक पूर्णिमा तक भी कार्तिक महात्म के अध्यायों को पठन और श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन पंचभीकम की कहानी सुनें। जिस प्रकार प्रातः स्नान करने के उपरांत भगवान के भजन और कीर्तन करना और कथा को श्रवण करना आवश्यक है, उसी प्रकार शाम को दीपदान के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन और कथा का श्रवण करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास में हरि जागरण करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप पूरे माह जागरण ना भी कर सकें तो कार्तिक मास की 5 रात्रि या 3 रात्रि को जागरण कर सकते हैं और पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। आज की अपनी कथा अध्याय 9 में हम सुनेंगे जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ उनका विवाह। महाराज प्रथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महत्त्व जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई, आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह आप सब कुछ संक्षेप में मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त तथा अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र ने शिवजी के स्थान में भीमकर्मा नामक एक भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाले एक भयानक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, ऋतु कौन है? जगत के ईश्वर शिवजी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह कुछ न बोला। तब इंद्र क्रोधित होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वज्र भस्म हो गया। तभी रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, जो इंद्र को भस्म करने वाला अर्थात जला डालने के लिए आतुर दिखाई पड़ती थी। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, शर्व और अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्पों को धारण करने वाले,
ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे बृहस्पति, इस समय इंद्र को जीवन दान देने से तुम जीव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगे। बृहस्पति जी बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि कैसे घुस सकती है, इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को कोई पीड़ा न दे पाए। नारद जी कहते हैं, शिव जी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जा गिरी। वह अग्नि वहां बालक का रूप लेकर रोने लगी। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक तक के सभी लोग बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे बोलते हुए विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। पहुंचते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया देख और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और खींच खींच कर बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के खींच खींच कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्र से जल बह चला, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुण होकर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और यह रुद्र के अलावा सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई मार नहीं पाएगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है, अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर तेजी से बड़ा होने लगा, वह अति बलशाली हो गया। अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न सागर उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तदंतर सागर ने उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी से उसकी सुता वृंदा की याचना की। तत्पश्चात सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर उसे श्रेष्ठ कन्या का दान दिया, अर्थात वृंदा का विवाह जालंधर के साथ कर दिया। बलि जालंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली सुंदर स्त्री पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। श्री कार्तिक मास महात्म नवम अध्याय संपूर्ण।